नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जन पहचाना होस्टिंग दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस लॉन्च करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो इसी चेन को मेंटेन रखते हुए बहुत शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटलिस इंडियन कॉकरोच एनिमल इंसेक्ट से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं डिटेल रिव्यू या जानकारी देने वाला हूं। तो आपको निवेदन करूंगा कि आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बहुत ही रोचक जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और सब्सक्राइब जरूर करें आपको अगर पसंद आता हो तो, बेल आइकन के साथ में, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप लोगों का स्नेह और प्यार बरकरार रहे होम्योपैथिक वाइंस के साथ में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा ब्लाटा ओरिएंटलिस होम्योपैथिक मेडिसिन किस प्रकार की दिखती है। मेरे पास लोअर पोटेंसी का मदर टिंचर है, देखिए बीजेन फार्मास्यूटिकल का इस तरह की बॉटल आती है। ये मेरे पास इस कंपनी की, इस ब्रांड की है। आपको इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी देना चाहूँगा। इंडियन कॉकरोच इसका कॉमन नेम होता है और ये स्पेशली जो मार्शी एरियाज होते हैं, डैम्प एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये आर्थ्रोपोड प्रजाति के होते हैं। वहाँ पर ये आपको कॉकरोच आपको हर घरों में देखने मिल जाएंगे। गंदगी में इनका ज़्यादातर निवास होता है। होल जो एनिमल है या इंसेक्ट है, होल पूरे इसके शब्द क्या, होल से पूरी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। स्पेशली इसकी जो है लोअर पोटेंसी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कारगर साबित होती है। लोअर पोटेंसी से मेरा कहने का तात्पर्य कि इसका 1x, 2x, 3x मदर टिंक्चर ही ज़्यादातर उपयोग में किया, जो मैंने आपको दिखाया वो मदर टिंक्चर थी। अब इसके यूजेज एंड बेनिफिट्स, इसका पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका अफेक्शन होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्पेशली अस्थमा के अंदर, अस्थमा वो भी ब्रोंकाइटिस टाइप का, जिसमें आपको आसान भाषा में समझाना करूँगा। जो टैम्प वेदर होते हैं वहाँ पर पेशेंट को अस्थमा की सांस लेने की तकलीफ होती है, डिस्निया लाइक कंडीशन डेवलप हो जाती है। पेशेंट जैसे ही लेटता है, खांसी होगी, रात को उठकर बैठ जाता है, यहाँ पर हाथ रखेगा, खांसता रहेगा, चैन नहीं आएगा, बेचैनी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में। थूक के साथ बलगम निकलता है, वो वाइट स्पोटम भी हो सकता है या येलोइश ग्रीनिश भी हो सकता है। अस्थमा के कंडीशन को सफोकेशन सबसे ज़्यादा नाइट और इवनिंग टाइम में होता है, लेटते वक्त। ये उस कंडीशन में लोअर पोटेंसी इसका जो मदर टिंचर है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। इसकी 15 से 20 बूंद गुनगुने कप पानी में आप एक चौथाई कप पानी में यूज़ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा किसी अदर पैथी में मौजूद नहीं है ब्लाटा ओरिएंटलिस। बहुत जल्द से जल्द डिस्निया, अस्थमा जैसी कंडीशन को, ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन को रिजॉल्व करने का काम करती है। इसके साथ ही अगर किसी को क्रॉनिक एस्थमेटिक शिकायत है तो लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करके हायर तक हम लोग जाते हैं। इसका एग्रावेशन स्पेशली रेनी वेदर, डैम्प वेदर में पेशेंट्स को देखा जाता है। इस सीजन में क्या होता है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है। डैम्प मार्शी एरियाज में जो लोग रहते हैं उन्हें दमे की शिकायत, अस्थमा की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। विंटर में भी ऐसे पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो खाना पीना है, डेली रूटीन है, उसमें भी चेंजेस करते रहना चाहिए। ब्लाटा ओरिएंटलिस एक इंसेक्ट से बनने वाली, एक इंडियन कॉकरोच से बनने वाली इकलौती ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी एस्थमेटिक कंडीशन या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को क्योर करने का काम करती है। आशा करता हूँ इसके बारे में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसके अलावा अगर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे लिंक्स मौजूद हैं। मैं जहाँ तक हो सकेगा आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।